भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये हमेशा विकास को विनाश बनाते हैं। तो ये बीजेपी याद रखे कि जिसके शीशे के घर होते हैं वो पत्थर नहीं फेंका करते दूसरों के घर पे। केवल हम समाजवादी लोग साथ नहीं है, हम तो इसलिए भी साथ हैं क्योंकि आदरणीय आजम खान साहब ने अपना सपना पूरा किया। आदरणीय आजम खान साहब पढ़ने थोड़ी आएंगे या उनके परिवार के लोग थोड़ी पढ़ने आ रहे हैं, उनकी तो पढ़ाई पूरी हो गई, उन्होंने तो दे दी समाज को, अब तो आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी आकर के। अगर उनके सपने तोड़ रही है सरकार तो मुझे लगता है जनता सड़कों पर आएगी। इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ यासिर मसरूर। आज अखिलेश यादव जैसा कयास लगाया जा रहा था कि वो रामपुर तंजीम फातिमा से मिलने आएंगे या कुछ संकेत देंगे कि वो आजम खां के साथ हैं, क्योंकि ऐसे आरोप लग रहे थे कि अखिलेश यादव आजम खां के लिए वो पुरजोर कोशिश नहीं कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए थी। आज इन सभी कयासों पर विराम लगाते हुए रामपुर पहुँच गए अखिलेश यादव। गौरतलब ये भी है कि इससे पहले समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता तंजीम फातिमा से मिलने नहीं आया। हालांकि कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी और मध्य प्रदेश के विधायक आरिफ मसूद बुधवार को तंजीम फातिमा से मिल चुके थे। तंजीम फातिमा के आवाज़ पर एक घंटे रुकने के बाद जौहर यूनिवर्सिटी पहुँचे अखिलेश यादव और योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो बजट सत्र के बाद समाजवादी पार्टी साइकिल यात्रा निकालेगी आजम खां की यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए। और यही कहा उन्होंने कि बीजेपी विकास को विनाश करना जानती है, इसलिए उसने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। और याद कीजिए उस यूनिवर्सिटी के जो मालिक या जो लोग आज चला रहे हैं उनसे कभी सवाल पूछिएगा कि जिस प्रदेश में आपने यूनिवर्सिटी खोली थी उस यूनिवर्सिटी का एक्ट खत्म हो गया था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। तो नेताजी ने यूनिवर्सिटी बनाने का काम और एक्ट बनाने का काम किया था जिसकी वजह से आज एमआईटी यूनिवर्सिटी अपने आप को दावा करती है कि वो देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जो नोएडा में है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये हमेशा विकास को विनाश बनाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को कोई सुंदर चीज अच्छी नहीं लग सकती, कोई अच्छी चीज होगी उसको तोड़ देंगे। इन्हें आता ही ये है कि ठोक दें, इन्हें आता ही ये है कि मरवा दें, इन्हें आता ही ये है कि बुलडोजर चला दें। जिन्होंने जिंदगी भर ठोकना मारना सीखा हो उनसे पढ़ाई की उम्मीद करोगे आप संस्था बनाने की उम्मीद करोगे? क्या आपने मुख्यमंत्री जी की भाषा नहीं देखी? विधानसभा में कहते हैं ठोक देंगे और उसका परिणाम क्या हुआ? कितने फेक इनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में। और शर्म आनी चाहिए सरकार को कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस लिया उस बात को और सरकार से कहा कि ऐसे अगर हुए उन पर मुआवजा दीजिए आप, सरकार को मुआवजा देना पड़ेगा उन लोगों को। कस्टोडियल डेथ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। ये धर्म को लेकर के बात करते हैं, हमारा धर्म ऐसा नहीं है, हिंदू धर्म ऐसा नहीं कि दूसरे को दुख दे, दूसरे को परेशानी दे। और याद रखिए हमारा धर्म, हमारे ग्रंथ, हमारी बहुत सी किताबें ये कहती हैं, लिखा हुआ है उसमें कि योगी वही है जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। क्या ये मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो दूसरे का दुख अपना दुख समझ रहे हैं, में लगा रहे हैं? देश में कहीं किसान आंदोलन में इतने झूठे मुकदमे नहीं लगे होंगे जितने समाजवादी पार्टी के ऊपर झूठे मुकदमे लगे। हम पे भी झूठा मुकदमा लगाया, वो भी वैश्विक महामारी का, कि हम किसान आंदोलन में किसान यात्रा में जा रहे थे, घर में घेर लिया, बैरिकेडिंग कर ली, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बैरिकेडिंग कर ली, हमारी फ्लीट नहीं आने दी। आप सोचो हम भी सरकार में नए मुख्यमंत्री, हमारी फ्लीट नहीं आने दी, क्या आपकी फ्लीट नहीं घर जा सकती है क्योंकि आप किसान आंदोलन में जा रहे हो इसलिए आपको जाने नहीं दिया जाएगा। तो ये जो तरीका लोकतंत्र में है, ये जो सरकार अपना रही है, जनता तैयार है, जिस दिन मौका मिलेगा इस सरकार को हटा देगी। जहां तक इस यूनिवर्सिटी का सवाल है, यूनिवर्सिटी के साथ केवल हम समाजवादी लोग साथ नहीं है, हम तो इसलिए भी साथ हैं क्योंकि आदरणीय आजम खान साहब ने अपना सपना पूरा किया,
वो हमारी पार्टी के नेता हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं। लेकिन आम जनता इसलिए साथ है क्योंकि इससे भविष्य बनने वाला था। अब आदरणीय आजम खान साहब पढ़ने थोड़ी आएंगे, या उनके परिवार के लोग थोड़ी पढ़ने आ रहे हैं, उनकी तो पढ़ाई पूरी हो गई, उन्होंने तो दे दी समाज को, अब तो आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी आकर के। अगर उनके सपने तोड़ रही है सरकार, तो मुझे लगता है जनता सड़कों पर आएगी। और हम कह करके जा रहे हैं, बजट के बाद समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए अगर मैंने साइकिल यात्रा भी चलानी पड़ेगी, हमें खुद भी चलानी पड़ेगी, तो हम भी साइकिल यात्रा निकालेंगे और जगह जगह यात्रा कर करके यूनिवर्सिटी कैसे बचे उसके लिए काम करेंगे।